स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज़ में। मैं हूं मुजीबुर रहमान अफजलपुर। इंडी शहर के वार्ड नंबर 11 में रात 1 बजे सलीम मुल्ला नाम के व्यक्ति की 2 मोटरसाइकिल को आग लगाई गई। सलीम का कहना है कि 1 साल पहले भी इन्हीं की मोटरसाइकिल को आग लगाई गई थी, अब फिर से दूसरी मर्तबा मोटरसाइकिल को आग लगाई गई है, मगर पता नहीं कि यह हरकत कौन कर रहा है। सलीम की मांग है कि इंडी पुलिस अधिकारी इनकी मदद करके इनको इंसाफ दिलाएं। इंडी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अब देखना होगा कि क्या पूरे इंडी पुलिस अधिकारी इस बदमाश को पकड़ने में होंगे कामयाब। देखते रहिए आई टुडे न्यूज़ इंडी। साल पहले ये अफजड़ गाड़ी जलाए थे तो शॉर्ट सर्किट हुआ ऐसा मिस्त्रा बोलने का, मैं अनकरेस्ट करे ज़्यादा देखे नहीं। अब क्या पूरा प्रूफ के साथ रात में 1 बजे में उठ देखे पूरा, ताकि दन कर आवाज आने को पूरा प्रूफ साथ, यहाँ कपड़ा प्लास्टिक का और पूरा गाड़ी जल गई, क्या भी बचने। तुमने पक्का मतलब यह है कि गाड़ी जले से चाहिए? पूरा यकीन है, पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं कि गाड़ी आज खुद जले। ये गाड़ी कितने बजे लगे थे लेगा को? कल 4 बजे से मस्जिद में खिदमत करता, रात 10 बजे सीखे खिदमत मस्जिद के, सुबह 10 बजे लगा जैसे गाड़ी मस्जिद सामने से। कितने बजे देखे तुम्हें गाड़ी जलाया? रात भी 1 बजे आवाज आया टाकी का, दनगर का आवाज आज देख लो गाड़ी जल रही। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारे गली के अंदर हो रहे सो दूसरी बार है और ऐसे हादसे बार बार होते कर हमें सोचे नहीं, ऐसे हादसे बार बार होने लगे। कौन दुश्मन है जने का इनके पाप समझने लगे नहीं। ये दोनों अच्छे तो परेशान का काम हमारे काम करने वाले हमारे गली के अंदर ऐसी झोपड़ पट्टी के अंदर है, कौन दुश्मन है जने का समझने लगे नहीं। और अभी एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, क्या बोले तो माड़ा पा पीएसओ हाथे जब माड़ा पा पीएसओ रहे जब 15 महीने के पीछे 15 महीने 2 साल के पीछे तब भी जले थे गाड़ी, तब राउंडिंग को माड़ा पा पीएसओ जब आए थे आपको तब भी देखे उन्होंने देख कर जो सो आज तक उसके बारे में क्या भी एक्शन भी लिए नहीं और कौन उसका गुनहगार है कौन जले है उन्हें भी सपड़े गया नहीं। और उसी जरा पकड़ने के वास्ते हमारे सीपे साहब को हमारे तरफ से सब हमारे गली वाले की तरफ से हमारे मोहल्ले वाले की तरफ से सबको रिक्वेस्ट है कौन आरोपी है उसे पकड़ को कड़ी से कड़ी सजा देना कर बोल मेरे दो बात कर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे गली में एक हादसा हो चुका है जो हमारे दोस्त सलीम मुल्ला उनके घर के सामने परसों रात में उनकी 2 गाड़ियों को जलाया गया है, जिसमें एक गाड़ी पूरी भस्म हो चुकी है और दूसरी गाड़ी अधूरी जल चुकी है। यह वाक्या सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि इससे पहला भी उनकी एक गाड़ी जानबूझकर जलाया गया है जिसके ऊपर एक कपड़ा प्लास्टिक वगैरह मिला है। तो लगातार दूसरी बार ये हादसा कर रहे हैं जिससे घर भी जलने का चांस था, घर जलते जलते रह गया। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस मामले की तह तक जाएं, जाकर आरिपू को अरेस्ट करके हिरासत में ले लें, वरना और भी खदशा और भी मामला बिगड़ने का चांस है। अगर ऐसे ही ढील देते रहेंगे तो वो आज गाड़ी जलाएं कल घर भी जला सकते हैं या कुछ और आजू बाजू के घर भी भस्म कर सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा ना पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आरिपू को हिरासत में तहकीक कर ले लें और मामले की तह तक जाए। मामला दर्ज।